हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन व्हिच फर्स्ट वन ए इज इक्वल टू 13 मीटर, बी इज इक्वल टू 14 मीटर, सी इज इक्वल टू 15 मीटर एंड सेकेंड वन ए इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। थर्ड वन ए इज इक्वल टू 91 मीटर, बी इज इक्वल टू 98 मीटर, सी इज इक्वल टू 105 मीटर। ये सारे ट्राइंगल का साइड्स हमको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में तीन क्वेश्चन गिवन है और तीन क्वेश्चन में हमको ट्राइंगल का तीनों साइड ऑलरेडी गिवन है, तो वो तीनों साइड अगर गिवन है उसी फॉर्मूला को हम यूज करके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तीनों क्वेश्चन सेम है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा दे रही हूँ, आपको सेकेंड और थर्ड वन आप खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। करेक्ट, स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू 13 मीटर, बी इज इक्वल टू 14 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 15 मीटर। तो ये ट्रायंगल हो गया, इसको हम ए ले लेते हैं जो कि 13 मीटर, बी इज इक्वल टू 14 मीटर, सी इज इक्वल टू 15 मीटर। तीनों साइड गिवन है, तो तीनों साइड अगर गिवन है एक ट्रायंगल का तो उसका साइड हमको कैसे पता, मतलब टोटल हम एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का साइन ये है इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसका स्क्वायर रूट। इसमें कंफ्यूजन ना हो क्योंकि ये बी मतलब इस साइड का वैल्यू। नेक्स्ट एस हमको पता होना चाहिए पर यहां पर तो एस गिवन नहीं है, तो एस कैसे पता चलेगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, हाँ करेक्ट, डिवाइडेड बाय टू। तो ए बी सी हमको ऑलरेडी गिवन है, तो इसी में से हमको क्या एस मिल जाएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय टू, कितना आ जाएगा 42 बाय 2, जो कि 22 जा 21 जा 21 मीटर, क्योंकि सारे हमारा यूनिट मीटर पे है। करेक्ट, एस हमको मिल गया। अभी हमको क्या फाइंड करना है, एस माइनस ए मतलब ये जो एरिया, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, और एक बार लिख देंगे क्योंकि यहां पर मैं आपको दिखाने के लिए लिखा था, तो ये आपको इजी हो जाएगा यहां पर लिखने से, एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहले भी मैं ये फॉर्मूला आपको दिखा चुकी हूँ, लिख के आपको सारे फॉर्मूलाज में दे दी हूँ, वो वीडियो आप जाके चेक कर लेना। तो एस हमारा कितना 21, तो 21 माइनस 13 यहां पर रहेगा, सारे वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इधर, तो 21 माइनस 14, नेक्स्ट 21 माइनस 15 है कि नहीं, तो 21 माइनस 13 कितना होगा, 21 माइनस 13 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और यहां पर 21 माइनस 14 वो कितना होगा 7 इंटू 21 माइनस 15 6, इसको फिर से हम रख देंगे। तो 21 को अभी हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब उसको हम छोटा बनाएंगे, किस मतलब उसका जो मल्टीपल जे की 3 × 7 21 हो सकता है, वो मैं क्यों कर रही हूं वो आपको आगे पता चलेगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 है कि नहीं, और 7 को वैसे रख देंगे क्योंकि 7 को हम कट नहीं कर सकते, और 6 को 2 × 3। ठीक है, हमको बेसिकली पेयर चाहिए,
क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर पैर रहेगा तो उसको हम एक लेके और इजीली उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर थ्री एक है, थ्री एक है तो एक थ्री आ जाएगा। एक सेवन इधर है, एक सेवन इधर है तो एक सेवन आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें कपल टू में एक टू आ जाएगा और ये जो टू में और एक टू आ जाएगा। आ गया। और अभी हमको ये साइन नहीं देना है क्योंकि अभी हमको स्क्वायर रूट हटाना है। तो आ गया। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया? 21, 21 टू जा 42, 42 टू जा 84 हमारा आंसर। और उसका यूनिट कितना रहेगा? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और यूनिट हमारा मीटर पे है इसलिए मीटर स्क्वायर, जो कि फाइनल आंसर। करेक्ट। सेम टू सेम सेकेंड एंड थर्ड वन आपको खुद से करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 33 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हेंस फाइंड द हाइट करस्पोंडिंग टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पहले ये जो ट्रायंगल हमको गिवन है उसका तीनों साइड हमको ऑलरेडी गिवन है, एक 33 सेंटीमीटर, एक 44 सेंटीमीटर और देन 55 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो उसको ए बी सी भी हम ले सकते हैं, है कि नहीं? ए बी सी तो तीनों साइड अगर गिवन है उसी फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। तो पहले वो वही हम निकालेंगे और उसके लिए एस हमको निकालना है। तो एस का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, जो कि 33 प्लस 44 प्लस 55। ठीक है। ये कितना आ गया? 2। ये 2 देन 132 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 2 6 12 देन 2 6 12। तो एस हमारा 66 सेंटीमीटर आ गया क्योंकि यूनिट भी हमारा सेंटीमीटर पे है। अभी हमको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। करेक्ट। तो एस हमारा कितना? 66, जो कि 66 माइनस है जो 33 है, एंड 66 माइनस 44 एंड 66 माइनस 55 हो गया। नेक्स्ट 66 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, जो मतलब ब्रैकेट के बाहर है ये मल्टीप्लाई होके हुआ है। तो यहाँ पर 33 इंटू वो भी मल्टीप्लाई है तो ये 22 और ये कितना? 11। इसको हम ये कर देंगे, स्क्वायर रूट पे ला लेंगे। अभी फाइनली हमारा ये डिफरेंस वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट इस 66 को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब इसको इसी तरह हम नंबर पे लाएंगे, उसका मल्टीपल नंबर लाएंगे जो कि हम कपल कर सकते हैं। तो 6 × 11 एंड 3 × 11 एंड 2 × 11, जो कि फाइनली ये 1 × 11, अदरवाइज आप 11 भी लिख सकते हो। इसको मैं अंदर लाया अगेन। अभी स्क्वायर रूट हटेगा, क्यों? क्योंकि ये जो 11 11, एक 11, नेक्स्ट ये जो 11, दो 11 कपल में एक 11 आ गया और ये दो 11 में और एक 11 आ गया। ये जो 2 है वो 2 रह गया और 6 को हम 2 × 3 भी कर सकते हैं। 2 × 3 अगेन ये 3 बच गया, 3 को ला लिए और ये कितना आ गया? ये कपल 2 में और एक 2
11 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 है कि नहीं। और उसका आंसर 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 6 726, 726 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमारा कितना किस पे था, सेंटीमीटर पे था, करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हेंस फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। वो कैसे निकालेंगे, 44 को हम साइड ले लेंगे, मतलब बेस लेके उसका हाइट निकालेंगे। चलिए वो देखते हैं, फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। तो एरिया फॉर्मूला से हम हाइट को निकाल सकते हैं, वो कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमारा कितना निकला 726 इस पे, और हाफ बेस कितना लेने को बोला है 44, क्योंकि वही तो साइड है ना, और इसको हाइट रख देंगे। यहां पर जो मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी डिवाइड हुआ है, वो 726 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 44 मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एच। अगेन आपको क्या करना है, हाइट रख देंगे है कि नहीं, और टू मतलब इस लेफ्ट को राइट पे, राइट को लेफ्ट पे, हमको हाइट ही चाहिए ना, और वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं होगा, आप खुद बार बार चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हाइट हमारा कितना आ जाएगा, टू, और इस पे कट करेंगे 22, ठीक है। तो 11 पे कट करेंगे, 11 टू जा, 11 पे कट करेंगे, 11 सिक्स जा, यहाँ पर कर लेते हैं 11 सिक्स जा 66, हाँ हो रहा है 11 सिक्स जा 66, मतलब ये 66 आ जाएगा। और ये टू, देन टू में कट करेंगे इसको 33, हाइट हमारा कितना आ गया 33, और उसका यूनिट सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर, therefore height of the triangle is 33 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।